नागपुर शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में एक पिता ने ही अपनी 1 साल 2 महीने की मासूम बेटी को ट्रेन में छोड़ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस स्टेशन आने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में शांतिनगर पुलिस ने जब सख्ती बरती तो आखिरकार पिता टूट पड़ा और उसने अपनी करतूतों को कबूल कर लिया। सोमवार को 7 तारीख को एक आदमी ने अपने रिद्वारी रेलवे स्टेशन पे जब सोया हुआ था तब उसकी लड़की का किसी ने किडनैपिंग किया, इसे इन्फॉर्मेशन उन्होंने मंगलवार को रिद्वारी रेलवे पुलिस स्टेशन को दी गई थी। तो इतवारी वाला रेलवे पुलिस स्टेशन ने तुरंत एरिया कंफर्म किया तो वो शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता था, तो उन्होंने शांतिनगर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब शांतिनगर पुलिस के पास टीम गई उसने फिरियादी को उन्होंने बहुत सी जांच की तो उन्होंने बताया कि उसने जब सोया हुआ था टॉयलेट के पास तो उसकी लड़की का किसी ने किडनैपिंग किया है। तो उन्होंने तुरंत इतवारी रेलवे स्टेशन के और बाजू के सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन सीसीटीवी में उनको कहीं पे नहीं दिखाई दिया कि ये आदमी रेलवे स्टेशन पे आया हुआ है। तो थोड़ा सस्पेक्ट हुआ करके उन्होंने उसको बार बार पूछताछ किया तो उसने बुधवार के दिन सुबह में बताया कि उसने खुद ने नागपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा था, तब उसने अपने बीवी को बिना बताए उसकी लड़की को, जो 14 महीने की उसकी लड़की है जिज्ञासा कौशल है, उसको उसने जो वो सोई हुई थी तो उसने जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस ने जनरल कोच में उसमें छोड़ दिया है। और वो जब इधर नागपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखा तब उसमें सब क्लियर दिख रहा है कि वो रात में 2 बजे चेन्नई से आने वाली ट्रेन से रेलवे स्टेशन पे आया हुआ था। उसके बाद सुबह में उसकी बीवी जब वॉशरूम में गई तब उसने पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो अपने अमरावती की तरफ जाने वाली ट्रेन में उसने खुद से अपनी सोई हुई लड़की को रखा और उधर से जंप करके वो नीचे आया। आके उसने अपने बीवी को झूठ बताया कि अपनी लड़की का किडनैपिंग हुआ है।